अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं होम ड्रेस डिज़ाइनर SAR। तो जी, आज की वीडियो में मैं ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। बहुत ही हल्की फुल्की सादा सी सिंपल सी डिज़ाइनिंग करेंगे। सर्दियों के सूटों में जो है ना, दामन और ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग की भी हो ना तो वो ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि ऊपर गले पे तो जर्सी आ जानी होती है, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये ज़्यादातर मतलब अच्छी लगती हैं सर्दियों के सूटों पे ना। छोटी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लेनी चाहिए। तो ये ट्राउज़र है जी, इसके साथ जो है ना वो मैं इसके ऊपर जो कटवर्क करूँगी ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये आपने ना कागज़ एक ले लेना है, जितना पीस हमें चाहिए। मैंने 2-2 इंच के कटान बनाने हैं, कटान जिसे कहते हैं ना, तो वो हम ले लेंगे। तो इसके ऊपर हम शेप बना लेंगे, ठीक है। 2 इंच का पीस मैंने ले लिया है, तो इसके आपने नोक वाले बनाने हैं या गोल बनाने हैं, जो भी बनाने हैं ना वो आप बना लें। तो मैंने गोल बनाने हैं इस तरह करके, ये मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और यहाँ से हमने इसको यूं करके गुलाई दे देनी है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको हमने ड्रा कर लेना है उसके ऊपर रख के, बुकरम के ऊपर रख के। तो इस तरह करें ना तो ज़्यादा आसानी रहती है। हम किसी भी चीज़ का पैटर्न जब काट लेते हैं तो वो फिर बड़ी आसानी से हम एक जैसी शेप बना सकते हैं जी। तो बुकरम मैंने ले लिया है, हमने इस तरह पैटर्न रख के तो इसको ड्रा करते जाना है। तो मैंने ये जो कटान है, ये मतलब कटवर्क जो है ना, ये मैंने बनाया था 2-2 इंच का बनाया था, तो 6 इंच पाइजा था 12, तो मतलब के 7 बनाए थे मैंने ये। जितने आपने बनाने आप ड्रा कर लें और इसको आप ऐसे करके काट लें, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना शेप, नोकदार बनाने चाहते हैं तो नोकदार बना लें, तो उनका भी यही तरीका है। अब हमने ये दोनों पाइचों पे बनेंगे ना, तो दूसरे को भी इस तरह काट लें जी। तो दोनों पाइचों के जो है ना कटवर्क आपने काट लेने हैं, तो इनको जो है ना एक प्रेस कर लेना है कपड़े के ऊपर, ठीक है। तो कपड़े के ऊपर प्रेस कीजिएगा, उसके ऊपर ट्राउज़र के ऊपर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ट्राउज़र पे भी कर लें तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है वैसे। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया, इसके ऊपर मैंने यूं करके ये जो है ना वो प्रेस कर दिए हैं। ट्राउज़र के ऊपर इतना चौड़ा बुकरम प्रेस किया हुआ हो, ऊपर सिलाई भी ना लगी हुई हो, तो वो फिर ना वो इकट्ठा सा होता है, उस पर वो मुड़ता रहता है। तो ये साइड हमने फोल्ड कर ली है, जो मतलब सीधी साइड है वहाँ से हमने फोल्ड करके तो सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको ट्राउज़र के ऊपर रखना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे हम गला अटैच करते हैं। तो इसके साथ साथ, ये थोड़ा सा मोटा बुकरम है तो इसके साथ साथ ही सिलाई लगनी चाहिए, और वैसे भी ये हम एक शेप बनी हुई है, गोल शेप है, बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी जब हम सीधा करेंगे। बारीक बुकरम हो ना, ज़ीरो बुकरम जो होता है, उसके ऊपर गुलाई पे सिलाई आ जाए तो वो बहुत अच्छा फोल्ड होता है। तो ये जो मोटा होता है ना, इसके कोने से निकल आते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है, अब हमने इसके जो ये इसके फालतू कपड़ा काट दें और जो है ना कोने कॉर्नर में इसके कट लगा लें। अब इसको सीधा करेंगे, सीधा करके तो अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर लें, और ताकि ये ना सफाई आए, सफाई मतलब अच्छे लगें। तो ये मैंने ना कॉर्नर के अंदर ना मोती लगाने हैं, तो मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने रेडी कर लिया है, तरपाई कर ली है यहाँ पे, और इधर यहाँ पे ना मैं मोती लगाऊंगी, और ये जो है ना ये सिलाई भी मैंने इसको फिनिशिंग कर ली है इसकी। अब हम इसके अंदर मोती लगाएंगे, मोती मैं निकाल लेती हूँ जो है ना, ये देखें ये लड़ी है मेरे पास, ये ना गोल्डन मोती हैं, और इस इनमें पर्ल्स ये वाले जो है ना, इनमें भी 2 तरह के होते हैं, एक क्रिस्टल के होते हैं और एक आम होते हैं। पता इस तरह चलता है कि ये थोड़े से वज़नी होते हैं, तो इसका जो रंग है ना ये उतरता नहीं है, वो जो हल्का लाइट वेट होते हैं ना, तो वो हल्के हल्के से वो मोमी मोती जैसे ऐसे लगते हैं, तो वो जो है ना उनका रंग उतर जाता है, उनका कलर उतर जाता है, तो ये भी देख के लिया कीजिए। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये मोती लगा के दिखाना है कैसे लगाना है। ये मैंने एक लगा लिया है, एक ऐसे करके आपने यहाँ से ये कट में यहाँ से आपने निकालना है। अच्छा, कलर मैंने इसलिए लिया, मोतियों के रंग का ही धागा लेंगे तो इसलिए, क्योंकि वो फिर अजीब लगेगा, ब्लू कलर का धागा इसमें से अजीब लगता है। तो आप चाहें तो सेम भी ले सकते हैं,
तो ये इस तरह हमने इसको स्टिच कर लेना है। बस एक एक मोती को हमने स्टिच, बड़ा मोती है तो बड़ा लगा लें, छोटा है तो छोटा लगा लें। तो ये इस तरह करके आपने सारे कॉर्नर में स्टिच कर लेना है। आप इसमें टसल भी लगा सकते हैं जी, तो कपड़े की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो भी आगे हम सीखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा कुछ सिखाऊंगी आपको। तो ये हमने एक एक करके सारे मोती लगा लेने हैं, और एक आप ज़रा सी छोटी मतलब हल्का फुल्का डिज़ाइन बना के तो आपका जो है ना ट्राउज़र बहुत ही प्यारा लगेगा। तो छोटी मोटी डिज़ाइनिंग कर लें, बहुत ज़्यादा आप नहीं करना चाह रहे, तो मैंने ये हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग आपको इसलिए दिखाई है कि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें जी, मोती मेरे लग गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, ये हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।